एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का दिन है खास, वो ये कि आज है संगीत और मैं रेडी नहीं हुआ क्योंकि कल रात को लेट हो गया था शेविंग सेट वेट कराने में, और आज उसने थोड़ा बहुत काम किया है मेरे, और अभी मैं सवारियों को लाने ले जाने में लग रहा हूँ, मतलब फैमिलीज़ को गार्डन में छोड़ने में और ले जाने में। सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और इसलिए मैं ना गार्डन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज संगीत और बड़ा मजा आने वाला है, दूल्हे राजा और काफ़ी टीम लोग वहाँ बैठी, आओ सबसे मिलाता हूँ, चलो। ये तो बिल्कुल तैयार है, कटर वटा लेके देख लो तुम्हारे हिसाब से। और भैया के दोस्त डमरू दादा, युवराज भाई, मतलब सब आ रखे हैं भाई, सब पूरा सिस्टम बनेगा, मस्त डांस वांस होगा, मजा आने वाला है, फुल बने रहना। मैं तो सूखला हो रहा हूँ, अंदर जाने में शर्म आ रही है, अंदर फंक्शन चल रहे हैं 40 प्लेटें। तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ क्या क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता, फिर घर जाके मेरे को तैयार होके भी तो आना है और कपड़े भी तो लेने हैं। सिस्टम है अंदर तो फुल सिस्टम चल रहा है, राउंडी वगैरह मामा की तरफ से आते हैं भात, वो सब चल रहा है, इतना ही नॉलेज है मेरे को और बाकी तो है नहीं कुछ नॉलेज। सही हो रहा है, सब बैठे यहाँ, दादी वगैरह फैमिली मेम्बर्स गीत गा रहे हैं, कैमरामैन भैया बोल रहे हैं डोरी छोड़ो, मैंने पकड़ ली थी, पॉपट हो गया। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ तो लेडीज़ों का चल रहा है, अपने बस की भी नहीं, अपन तो बाहर का काम संभालते। गार्डन भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, संगीत का है, शादी फिर रिसेप्शन। अभी हमने नाश्ता किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ले राजा मामा जी के साथ फोटो ले रहे हैं। पॉप आर्ट, आप वही हो ना वही। जिनकी बैंड बनने वाली है, आठ डीजे बजेगा, बैंड भी बजेगा, अच्छा है। और ट्रस्ट वगैरह लगा दिया, बहुत मजा आने वाला है। लोलीज आजा घर चलेंगे, तैयार होके नहीं आएगा, शेरवानी नहीं पहनेगा, शेरवानी पहन लूंगा तो निकिता कौन देखेगा। लोलीज एक बार थोड़ा सा डांस कर दे, मारवाड़ी डांस कर दे, मम्मी की कसम कर दे, लोलीज मम्मी की कसम कर दे। चल ठीक है, आज तू ब्लॉक कर मेरा। हाँ, ये हमारे इवेंटर साहब। क्या ब्रो, नाश्ता कैसा लगा? वाह बहुत ऑसम, मस्त था ना, बिल्कुल मजा आ रहा है, शादी में नाचेंगे, फूल खाएंगे ब्रो। चलो गाइस उधर चलते, स्टेज वगैरह बस मस्त सजा है। तो भी गाइस मैं और लकी घर आ गए, वेगनार हमने खड़ी कर दी भैया वाली, अब अल्टो ये अपने वाली ठीक हो गई थी, इसके लॉक में कुछ डाल दिया था बच्चों ने पता नहीं क्या, सो वो सही हुआ है। अभी जा रहे हैं हम, आज की ड्रेस जो पहननी है सिंपल सोवर वो वाली लेने जा रहे हैं, बाकी भी रेडी हो गई है, थोड़ा वो दिखा दूंगा मैं वहाँ, तो इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, मैं आज की ड्रेस ले आता हूँ, बाकी तो सब सही है, अब बस नहा धो के रेडी होके जाना है। चलो फिर चलते हैं लेने। मैं शॉप पर आ गया हूँ, मेरी ड्रेसेस तैयार हैं, इनमें से कुछ एक है, इधर आइडिया देता हूँ, इनमें से दिख रहे हैं ना, इनमें से और रेडी हो चुके हैं ट्रायल के लिए, तो अभी मैं गंदा संदा हो रहा हूँ, तो अभी तो क्या ही लूँ, अभी जो मैं लेने आया हूँ वो लेके चलते हैं। गाइस एक ड्रेस तो मैं दिखा देने जा रहा हूँ, बट पूरी नहीं, थोड़ी सी दिखाऊंगा, देख लो, थोड़ा सा ही दिखाया मैंने क्योंकि मैं पहन के देख रहा हूँ, और बाकी यही कहीं में कहीं छुपी हुई है मेरी दो तीन ड्रेसेस सारी, ताकि शॉप में मैं आया हूँ। हेलो ताहिर भैया, मस्त फिटिंग करते हैं ताहिर भैया, किसी को भी आना हो तो भैया आपका एड्रेस क्या है? राय कॉलोनी हसनपुरा। नाम मैं बता देता हूँ, शॉप का नाम है, जहाँ आप आ सकते हैं, राय कॉलोनी हसनपुरा, और बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल प्राइस है, ना ज्यादा कॉस्ट ना ज्यादा लो, और फैब्रिक भी अच्छे मिलते हैं, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है। तुम सबको अगर कभी सिलवाना हो तो ताहिर भैया से मिलना, ताहिर भैया कोई भी अगर वीडियो के थ्रू आते हैं तो आप मस्त से सिल के दे देना, नाम ले क्या देना गाइज, तुम्हारा काम हो जाएगा। गाइज यार एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि ना, वो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम ये हो गई, ड्रेस ही रेडी नहीं हुई मेरी, मतलब हो गई थी सारी, बट सब में जो परफेक्ट फिटिंग होती है उसका थोड़ा सा इशू था, फिर वो होगा, अब जो मेरे को आज पहनना था वो नहीं हुई, आज मुझे कुछ ना कुछ एडजस्ट करके इधर उधर से, मतलब जो है मेरे पास उनमें से कुछ पहन के जाना पड़ेगा, सो वही कर सकते हैं, बाकी ड्रेसेस और अदर फंक्शंस में पहन पाऊंगा मैं, तो आज के लिए तो यही हो सकता है कि ऑप्शन ही नहीं बचा यार, कंफ्यूज हो गया मैं यार, दिमाग खराब हो रहा है, पर कोई ना, किसको दिखाना है, संगीत है, कोई ना चलता है, डांस लाइक कपड़े पहन जाएंगे थोड़े लूज से एंड डांस भी हो सके ऐसा वाला, तो उस टाइप से मैंने कुछ सिलवाया था जो नहीं हो पाया, बट कोई ना करते हैं, अभी हाल फिलहाल कर चल के नहा धो के रेडी होके कुछ और व्यवस्था करके चलते हैं। फाइनली नहा धो के हॉल से, ठंड में लेट हो गया गाइस, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और जल्दीबाजी में ना, मतलब जो ड्रेस मेरे को पहनी थी वो तो हुई नहीं, और अब मैंने ना जल्दीबाजी में जूते ले लिए, टी शर्ट ले ली और एक जैकेट है वो डालकर फटाफट चलेंगे। फंक्शन स्टार्ट हो गया, 7 बज गए
और लेट हो गया मैं जल्दी से, और सर्दी में इतना ठंडा ठंडा पानी था गर्म करने का टाइम भी नहीं मिला, मतलब फटाफट आके नहा के अब फटाफट से जल्दी से चलते हैं। ओके अपन हो गए रेडी, बताओ कैसा लगा तुम्हारा भाई। बट है ना मैं ये वाली पहनने वाला था, ये वाली तो ये नहीं पहनी मेरे को ज़्यादा ठीक ये लगी, सो मैंने ये पहन लिया और ये शूज़ अभी लिए थे मैंने और काम निकाल लिया अपन ने, टी शर्ट वीशर्ट लेके पुराना जुगाड़ बैठा दिया, अभी चलते हैं और बाकी कपड़े अब वो बाद में काम आएंगे। सिले ही नहीं तो क्या करता, आज के फंक्शन में कुछ तो पहनना था ना, सो चलते हैं। चलो तू ही पकड़ लेना। गाइस मैं इतना भी लेट नहीं हुआ और इतना लेट भी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहुत सारा तो हो चुका और गाने चल रहे बहुत तेज। कौन नाचेगा कोमल? इधर आओ, क्या कर रहे हो तीनों? इधर आओ, हेलो करके जाओ। ये बच्चे तो मस्त खेलने में लग रहे हैं, बड़े भी डांटने में लग रहे हैं। दीदी प्रेरणा बहन, मम्मी, जिया जी, बड़े जिया जी और बड़े भैया सब मिल ही रखे हो। हाँ व्यवस्था है, सिस्टम है अपने वाली, खाओ पियो मजे करो वाली। उधर स्टॉल्स लगी है, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम सारा। बाकी भाई लोग आ रहे हैं, ये गैंग सिस्टम। और भैया क्या हाल है? यो ब्रो बढ़िया, आप बताओ? बस भाई बढ़िया। गाइस हमारे दूल्हे राजा तो ऐसे खड़े थे, मैं बोला इनके पास चल के बात ही कर लो। लोग भी चल रहा है कि तू आज? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बेटा। आशीष भैया हेलो। हेलो दूल्हे राजा, अच्छे लग रहे हो निखिल भैया, मस्त लग रहे हो यार, ऐसी हाइट होनी चाहिए तुम्हारे भाई। सो अभी गाइस हम लोग बैठे हैं और मजे कर रहे हैं और डांस वगैरह हम देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है प्रेरणा? मुझे भी करना है डांस। तो तेरा नंबर आएगा जब तो करेगी, अभी तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, अभी तो देख मामा जी और वो छोड़ के मामी जी, अभी तो मैं भी हूँ भाई। They say I'm dangerous 'cause I'm.
नागिन इधर डांस दक्षिणा Because the cage is no way we'll sit in Maria 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 Take it now संगीत हो गया ओवर और तुम्हारा भाई हो गया पानी 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 हेलो कैसा मजा आया अरे पूछो मत बड़ा मजा आया अरे बहुत बढ़िया मजा आया भाभी मजा आ गया ना मम्मी मजा आ गया संगीत ओवर होने के बाद आ रहे हैं ये हमारे बड़े भैया रोहित जी शेफाली गोलू भैया ये सारे लेट आए सो भी गाइस चलते हैं और सबसे पूछते हैं संगीत मैं कितना एंजॉय करा हाय दी हेलो संगीत में मजा आया बहुत एक बार रूटीन बजाए अरे भैया हाँ भाभी भाभी संगीत में मजा आया ना अच्छा मजा फुल मजा आया ना भैया और मैं पसीनों में हो रहे हैं पार्टी से तो पूछो हाँ जी फादर साहब शानदार शानदार मजा आ गया बहुत मजे बहुत चालाक ब्रो अब एक और दीदी है वाओ दीदी तो मस्ती लग रही है इनको दिखाता हूँ मैं वैसे ऐसे वाओ दी दी किस कैसा लगा बहुत मजा आया बहुत इसको भी मजा आया जी आजी तो बिजी चल रहे जी आजी के पास जाने का मतलब नहीं अभी अब खाना वाना खाएंगे सबको बहुत मजा आया अभी धीरे धीरे सबको कवर कर लूंगा मैं जो जो मिलेगा उसको भी ले लेना हाँ भाभी रह गई नहीं नहीं भाभी दोबारा बोलो नहीं नहीं चेहरों के साथ ही बनाया करो रील भाभी कोई घास ही नहीं डालती हेलो यो यो हितू हितू चाचा डांस मजा आया डांस में बोलो मजा आया बोलो मजा आया सबको मजा आया हाँ भाई वापस मजा आया पूछते लो क्यों चिल्ला रहे हो सभी गाइस खाना मैंने लगा लिया है खाने में मीठे में है क्या बोलते चाची इसको मिश्री मावा गुलाब जामुन मैंने फिनिश कर दिया दाल और मिक्स वेज पूड़ी और रोटी मैंने ली नहीं खाना बहुत टेस्टी है खाते हैं और सब वहाँ खा रहे हैं मैं यहाँ खा रहा हूँ और सभी लोग अब खाना खा के फ्री होने वाले हैं फाइनली गाइस अभी हम घर निकल चुके हैं और सब जा चुके हैं सबको छोड़कर हम निकले हैं आते वक्त भी वहाँ से सबको मैंने भेजा और भाभी को लेते हुए आया था और अब जाते वक्त भी सबको भेजने के बाद मेरा नंबर आया क्योंकि मैं छोटी माँ को छोड़ने घर चल गया था वैशाली वाले सो अब घर जा रहे हैं बहुत मजा आया आई होप आप सभी को भी बहुत मजा आया हो अब कल के बाद है अरे ट्रक वाला भाई साहब इंडिकेटर रुक जाओ दे रहा हूँ साइड अब कल के बाद है शादी का प्रोग्राम वो और भी मजे होने वाले बारात में नाचेंगे फुल मजा आएगा ड्रेसअप भी अच्छा होगा फुल आग लगा देंगे बने रहना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार ठीक है मेरी गलती है मैं थोड़ा लेट शेट हो गया व्लॉग्स में और कंटिन्यू नहीं कर पाया मेरी मजबूरी थी Best to give me your loyalty cuz I'm taking the world you फाइनली हम घर आ गए थक गए सारे गजानंद आओ जी अब हमारी ओ बटेना गणपत ने महाराज गजानंद अरे तुम तो नीला यारे सोने की
एक नंबर दूंगा कल।